दोस्तों, दूध का ये प्रयोग करने के बाद बहुत तेजी से बढ़ती है पुरुषों की यौन शक्ति। हम आपको समय समय पर ऐसे गजब के नुस्खे बताते रहते हैं जिससे आपके विवाहित जीवन सही चलता रहे। ऐसे में आज का ये नुस्खा उन सब लोगों के लिए है जो ऐसा समझते हैं कि उनकी यौन शक्ति कमज़ोर हो चुकी है, और ये नुस्खा है भी बहुत आसान। कई ऐसे पुरुष हैं जो अपनी यौन शक्ति के ख़राब होने के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में बड़ी निराशा भर आती है। ऐसे पुरुष अगर हमारे द्वारा बताए गए थोड़े से घरेलू नुस्खे कर लेंगे तो उनका जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पुरुष इस प्यारे से दिखने वाले जानवर का दूध पीकर भी अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। इसके साथ में इस प्रयोग से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो आइए जानें इस प्रयोग को। ऐसे पुरुष जिनको समय की कमी और दूसरे पुरुष रोग हो, उनको भैंस का दूध ना पीकर सिर्फ बकरी का दूध पीना है, मगर बकरी का दूध पीने का तरीका अलग है। तो आइए जानते हैं। पहले जानते हैं कि बकरी का दूध पीने का क्या फ़ायदा है। जिस पुरुष को समय कम लगने की समस्या हो, वो 7 या 8 खजूर को, अगर खजूर ना हो तो छुआरे को, बकरी के ताज़ा दूध जो उबाला ना गया हो उसमें डालकर रात भर छोड़ दें और सुबह उठकर उन सभी खजूर को चबा चबा कर खा लें। उसके बाद उस दूध को पी लें। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करते रहने से उनके अंदर गजब की पावर आएगी। जो लोग लगातार बकरी का दूध पीते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है, जिससे उनमें हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता है। साथ ही बकरी के दूध पीने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है, क्योंकि बकरी के दूध में पोटाशियम का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम या ज़्यादा होने से रोकती है। इसके अलावा बकरी के दूध में प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिससे इसे पीने वाले बच्चों का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है। इसके साथ बकरी के दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, इसलिए जो व्यक्ति इस दूध का सेवन करता है उसकी हड्डियां काफ़ी मजबूत होती हैं। इसके साथ अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो बकरी का दूध नित्य पीने से कभी भी ये समस्या नहीं आएगी। ये शरीर का रोग प्रतिरोधक शक्ति बनाए रखने में बेहद अहम है। हाँ, अगर आपको बकरी का दूध ना मिले तो ऐसे में आप देसी गाय का दूध इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अगर आप इस प्रयोग का 100% परिणाम चाहते हैं तो आपको 40 से 45 दिन तक संयम रखना होगा। धन्यवाद।